गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स, दिस इज़ आवर बुक सोशल साइंस। द बुक नेम इज़ आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ। आई विल टीच यू द सब्जेक्ट नेम ऑफ सोशल साइंस, चैप्टर टू इन ज्योग्राफी मैथ्स। तो स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, फाइंडिंग डिस्टेंसेस। यू कैन यूज़ द स्केल ऑफ ए मैप to find the distance between any two point on it. Say you want to find the actual ground distance between the clock tower D and temple E. अब देखिए बेटा, इसमें हम थोड़ा आपको बताएंगे कि फाइंडिंग डिस्टेंसेज, जैसे ये जो दिया हुआ है टाउन का मैप दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आप जो D एंड E पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंसेज दी हुई हैं D एंड E पॉइंट। तो जो हमारा डी पॉइंट है ये क्लॉक टावर है, और जो ई पॉइंट है हमारा टेंपल है। तो इसके बीच में जो हम डिस्टेंस है, तो उसको हम स्केल की हेल्प से हम फाइंड करेंगे कि डी पॉइंट क्लॉक टावर एंड ई पॉइंट टेंपल, उनके बीच में क्या डिस्टेंस है। बेटा आती है पैराग्राफ में, फर्स्ट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड यूज ई यूजिंग योर रूलर। जो भी आपके पास जो रूलर यूज़ करते हो आप डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो डी एंड ई पॉइंट है, डी पॉइंट मीन्स क्लॉक टावर, ई पॉइंट मीन्स टेंपल, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है हम रूलर की हेल्प से हम मेजरमेंट करेंगे। वी फाइंड दैट टी ई मेजर्स 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने ये फाइंड आउट किया रूलर से कि जो डी और ई के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। हमने डी और ई पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस फाइंड की है वो 4 सेंटीमीटर है। सिंस 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 100 मीटर ऑन द ग्राउंड, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई इज 4 × 100 मीटर इज इक्वल टू 400 मीटर। अब देखिए आप कि जो हमारा स्केल है वो शो कर रहा है हमारा 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर, कि 1 सेंटीमीटर में हमारा जो स्केल है वो शो कर रहा है 100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना है, 100 मीटर। तो जो डी एंड ई के बीच में जो हमने मेजरमेंट किया था वो 4 सेंटीमीटर था, तो हम करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डी एंड ई जो एक्चुअल डिस्टेंस है 4 × 100 मीटर। तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, 400 मीटर। तो आप दोबारा समझ लीजिए, हमने आपको बताया कि इसमें जो क्लॉक टावर और टेंपल के बीच में जो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम उसका मेजरमेंट करेंगे, हम सेंटीमीटर्स में हम निकालेंगे कि क्या लेंथ है। तो हमने सेंटीमीटर्स में जो लेंथ निकाली थी, जो डिस्टेंस निकाली थी, वो कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। लेकिन उस मैप में जो हमारा स्केल है, हम 1 सेंटीमीटर में हम कितना शो कर रहे हैं, 100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर हुआ, तो 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर के बाद जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 4 सेंटीमीटर था, तो 4 से मल्टीप्लाई किया हमने 100 को, तो टोटल डिस्टेंस जो डी एंड ई के बीच में तो टोटल डिस्टेंस हुई है वो कितनी है, 400 मीटर। तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी है डी एंड ई पॉइंट के बीच में, क्लॉक टावर एंड टेंपल के बीच में, 400 मीटर। तो इस तरह हम किसी भी मैप में किसी भी लोकेशन के बीच में अगर हम डिस्टेंस को फाइंड करेंगे तो हम स्केल का यूज़ करेंगे, और सबसे पहले उनके बीच में हम सेंटीमीटर्स में लेंथ निकालेंगे कितनी डिस्टेंस है, फिर मैं जो हमारा जो स्केल दिया हुआ है उस स्केल से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि इसमें स्केल दिया हुआ था, सपोज़ की दिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो 4 सेंटीमीटर निकला है हमारा, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 मीटर से, तो ये निकला हमारा 400 मीटर। ओके, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द मैप शोन इन फिगर 2.2 हाउ विल यू फाइंड द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन कुनाल हाउस एंड द हेल्थ क्लब। अब देखिए दोबारा ये आप इस मैप में कि जो कुनाल हाउस है और जो हेल्थ क्लब है, जैसे कुनाल हाउस ए पॉइंट पर है और जो हेल्थ क्लब है वो जी पॉइंट पर है, तो इस के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए आप इसमें दिया हुआ है टाउन में जो ए बी, जो ये एक रोडवेज है, जो एक पाथ है रोडवेज का, तो पहले हम ए से बी पॉइंट चलेंगे, बी से सी पॉइंट आए ट्रैफिक लाइट, सी से डी पॉइंट आए, पूरा रोडवेज है, हम रोड के जरिए हम डिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं, डी से हमारे जी पॉइंट तक। इसमें जितना भी जो रोडवेज है इसमें जो डिस्टेंस है उन डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी, और देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रेक अप द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी। सबसे पहले आप कौन सी डिस्टेंस को मेजरमेंट करोगे, ए एंड जी पॉइंट को।
चूजिंग पॉइंट गेट आर ज्वाइंट बाई रोड्स, और जो रोड से ए और जी के बीच में जिस तरह रोड्स ने उन डिस्टेंस को कनेक्ट किया है, सबसे पहले हम उन डिस्टेंस को हम मेजरमेंट करेंगे. ओके, ए एंड जी बाय द रोड, जो रोड की जो लिंक्स हैं ए और जी के पॉइंट में. तो ए पॉइंट क्या है हमारा, कुनाल हाउस, और जो जी पॉइंट है हमारा वो हेल्थ क्लब है. ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.